ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। मुंबई में बारिश का सिलसिला जारी है। तेज बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही रुकी हुई है। शिवाजी नगर में एक ग्राउंड प्लस वन फ्लोर वाला घर गिरने से 8 लोग घायल हो गए हैं, जहां 3 महिलाएं राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं 5 अन्य का इलाज पहले से चल रहा है। ठाणे और रायगढ़ के अलावा शहर और उपनगरों के बड़े हिस्से में सोमवार की सुबह से भारी बारिश से प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार बारिश से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ लोग घायल भी हैं। इनमें मुंबई, ठाणे और पुणे में दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। मलाड उपनगर में बाढ़ में फंसे एक वाहन 2 लोग मंगलवार को मृत पाए गए। जिस तरह से मूसलाधार बारिश सोमवार को देखा गया, ठाणे जिले के मुंब्रा शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तेज बारिश होने की वजह से मुंब्रा के हर इलाके में बारिश के पानी ने TMC की पोल खोल दी। हर साल ठाणे महानगर पालिका कचरा साफ सफाई को लेकर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन इस बार मुंब्रा में कचरों की बात करें तो जिस तरह से सफाई होना चाहिए वो नहीं हुआ, जिसके कारण गटर नाले जाम रहे और पानी गटर नाले से बहने के बजाय सड़कों पर बह रहा है। बारिश के समय में सबसे ज़्यादा रसीद कंपाउंड में पानी भरने का मामला सामने आता है। मुंब्रा शहर के अलग अलग इलाकों में पानी से पूरा इलाका भर गया और सड़कों पर पानी की नदियां बहती दिखाई दी। और हम आपको मुंब्रा के कई इलाकों का तस्वीर दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं ठाणे महानगर पालिका का पोल खुलता दिखाई दे रहा है। रसीद कंपाउंड, चरनीपाड़ा, कौसा, तनवा नगर, चांद नगर, ऐसे कई इलाकों में पानी की नदियां सड़कों पर बहता दिखा। हम सीधा आपको रसीद कंपाउंड इलाके में लेके चलते हैं, जहां से हमारे साथ इस्लामुद्दीन खान जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानते हैं क्या जानकारी है। इस्लामुद्दीन खान, रसीद कंपाउंड में हर साल बारिश में लोगों के घर, दुकान, सड़कें डूब जाते थे, क्या इस बार भी डूब गए हैं, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, इस समय मौजूद है मुंब्रा के रसीद कंपाउंड और देवरीपाड़ा का जो बीच का इलाका है मुंब्रा बाईपास का, वहां पर हम लोग मौजूद है। जिस तरह से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, इससे पूरे मुंब्रा में लगातार जो है हर जगह आपको पानी ही पानी नजर आएगा। यहां पर आयन के गाटर डाले गए, जिसके बाद जो रसीद कंपाउंड में पानी जाता था बारिश का, वो पानी कहीं ना कहीं जो है इस नाले में डाइवर्ट हो गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है रसीद कंपाउंड में जलभराव की स्थिति हद तक कम हो गई है। इस्लामुद्दीन, इस बारे में क्या रसीद कंपाउंड में किसी नगर सेवक से आपकी बातचीत हुई है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह से रसीद कंपाउंड के रहने वालों को तकलीफ हो रही थी, लोग लगातार शिकायत कर रहे थे पानी को लेकर कि रसीद कंपाउंड में जल भराव हो रहा है, जिसके बाद रेहान पीतल वाले ने उन्होंने किया है यहाँ पर, हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर रेहान भाई, जिस तरह से जल भराव रसीद कंपाउंड में होता था लगातार, और ये ब्रेकर बनवाया गया जिस तरह से आपने काम किया है, और पानी इस गटर की तरफ जो है डाइवर्ट हो रहा है, ये आज 10 या 15 साल से ये प्रॉब्लम है रसीद कंपाउंड का। ये देवरीपाड़ा समाधान चाल लेक लास्ट पॉइंट है देवरीपाड़ा का, वहाँ से पानी आगे आने का कोई डायवर्शन नहीं है, ना ये डायवर्शन हस्मत चौक से है, ना ये डायवर्शन IDP के नाले से है। जो सरफेस का पानी है, ग्राउंड के ऊपर का पानी, ये हमेशा पूरे रोड के ऊपर से ही आता था और ये बाईपास के अंदर से होते हुए रशीद कंपाउंड में जाके पूरा फ्लडिंग कर देता था। तो एक कोशिश सारे अधिकारियों से मिलके एक राय बना के, जो भी हमारे बड़े अधिकारी थे उनसे मिलके, कि ये पानी को डाइवर्ट करना है किसी भी तरीके से, क्योंकि एक साथ में सारा पानी जाके रशीद कंपाउंड हस्मत पार्क में सारा वाटर लॉगिंग हो जाता था। अब एक सुझाव मिला कि बिस्मिल्ला टावर का जो कलवट था उसके ऊपर से आयरन रॉड लगा के, बड़े बड़े आयरन के गार्डर लगा के इसको कराया जाए, और इसके अंदर अवार्ड साहब की बहुत 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 बड़ी अमितता रही इसके अंदर, उन्होंने ये चीज़ करने के लिए जो हमारे एग्जीक्यूटिव है उनसे बात करी और इसको किसी भी फिजिबल हालत में हमको करा के दिया। और आज आप देख सकते हैं इस वीडियो में या इस अभी लाइव देख सकते हैं आप कि आज ये पूरा पानी डाइवर्ट हो गया। अगर ये पानी फिर भी इसके अंदर से पानी के लोड की वजह से थोड़ा पानी गया रसीद कंपाउंड में, थोड़ी सी जल भराव की समस्याएँ हुई, लेकिन अगर ये पूरा पानी चले जाता तो कमर तक का पानी रसीद कंपाउंड में आ जाता। रेहान भाई, जिस तरह से थोड़ा बहुत रसीद कंपाउंड में अभी भी जल भराव हो रहा है, तो उसकी आखिर वजह क्या है? क्या वहाँ के जो गटर नाले हैं उनकी साफ़ सफाई बराबर नहीं हुई है? नहीं, साफ़ सफाई तो हुई है, लेकिन रसीद कंपाउंड क्योंकि एक लो लाइंग एरिया है,
और रशीद कंपाउंड चारों तरफ से पठार के नीचे आता है। सिम्बोसिस स्कूल का पानी रशीद कंपाउंड की तरफ आता है, हशमत पार्क से INDP के नाले से, समाधान टावर का समाधान पार्क का नाला जो है इस INDP का नाला बिस्मिल्ला कलवट होते हुए वो रशीद कंपाउंड में आता है। उसके बाद में चरनीपाड़ा का नाला है जो कि रशीद मुल्ला कंपाउंड चाल में निकलता है। तो ये सारा अगर बारिश ज़ोर से होती है तो ये सारा पानी आ जाता है, और ख़ास करके जो बड़े नाले हैं जैसा कि चरनीपाड़ा का नाला, एक जिसके अंदर अगर पानी फ्लडिंग होती है, लेफ़्ट साइड अगर पानी गया तो कौसा गांव डूबता है और राइट साइड अगर पानी गया तो रशीद कंपाउंड डूबता है। उसके अंदर आप खासा, मैं आपको पिक्स भी देता हूं, मैंने जितने लोगों को कंसर्न अधिकारियों को जो कंप्लेंट किया हूं, लेकिन मेरे हिसाब से GNG कंपनी इसकी ज़िम्मेदार है जिसने सफाई का ठेका लिया है। GNG कंपनी, उसके अंदर उन्होंने इसको काम को सीरियसली नहीं लिया और हमेशा की तरह आज कचरा वैसी का वैसी भरा हुआ है। जो कटर नालों की सफाई की बात करें अगर, तो जो CNG कंपनी है जिसने जिम्मा लिया था साफ़ सफाई का, उसने बराबर से साफ़ सफाई नहीं की, जिसकी वजह से शहर में काफ़ी जल भराव माना जा रहा है कि यानी गटर नाले साफ़ ना होने की वजह से जो है जल भराव की स्थिति काफ़ी बनी हुई है। लोग इसकी वजह से काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, और इसी तरह से जिस तरह से ये बारिश लगातार जारी है, अगले 24 घंटे और भी तेज बारिश होने की आशंका भी जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस्लामुद्दीन खान जानकारी देने के लिए। हम आपको बता दें, GNG कंपनी ने ठीका लिया था कचरे की साफ सफाई का, लेकिन साफ सफाई नहीं किया गया, यहाँ तक कि नालों की ठीक से सफाई नहीं किया गया। ऐसे ठेकेदारों की निधि रोक देनी चाहिए। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।